तो इंतजार खत्म होने वाला है, वो घड़ी करीब आती जा रही है जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। देश भर में टीकाकरण अभियान के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, दिल्ली में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। खत्म होने वाला है इंतजार, कोरोना के खिलाफ शुरू होने वाला है महायुद्ध। दो दिन का इंतजार, देश बेकरार। करीब साल भर बाद अब निराशा के बादल छटने लगे हैं, कोरोना वैक्सीन के रूप में नई उम्मीद नजर आने लगी है। हिंदुस्तान के हौसले उड़ान भर रहे हैं। वो वक्त बेहद करीब है जब कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने की मुहिम का आगाज होने जा रहा है। आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। भारत का टीकाकरण अभियान देश का सबसे बड़ा अभियान बनने जा रहा है। ऐसे में पूरा देश कमर कस चुका है, सभी राज्यों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले फेज के लिए वैक्सीन के लाखों डोज की सप्लाई हो चुकी है, अब इंतजार है रोल आउट प्लान पर अमल का। दिल्ली भी पूरी तरह मुस्तैद है। वैक्सीन लगने का काम शुरू होने जा रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायजा लिया, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली को अब तक कोविड वैक्सीन की 2,74,000 डोज मिल चुकी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की खेप 12 और 13 जनवरी को दिल्ली लाई गई। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को दो डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीजों के लिए, तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली है। अब 16 जनवरी को आयोजित महाअभियान का मौका है, उसके लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 81 सेंटर बनाए हैं। एक सेंटर पर रोजाना 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, यानी एक दिन में राजधानी में 8,100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं, इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1,000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से भागने लगा था, लेकिन केंद्र सरकार की पहल और केजरीवाल सरकार की कोशिशों के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई है। राजधानी में संक्रमण का कुल आंकड़ा 6,30,000 तक पहुंच चुका है, हालांकि फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 2,991 रह गई है। उम्मीद है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद हालात पूरी तरह काबू में होंगे। पिछले एक साल से कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी तकलीफ में हैं और इन वैक्सीन के आ जाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब लोगों को अंत में इससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी, अपने दिल्ली को भी मुक्ति मिलेगी, देश को भी मुक्ति मिलेगी, दुनिया को भी मुक्ति मिलेगी। देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम बात करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से उनके विचार जानेंगे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर टीकाकरण होगा और वैक्सीन जैसे यहां पहुंचेगी किस तरह से टीकाकरण को अंजाम दिया जाएगा इसकी झलक सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन एंट्री होगी और यहाँ पर आपको अपना नाम आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ दर्ज कराना होगा और उसके बाद यहाँ पर अंतिम जो तैयारियां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि एक मजबूत इंटरनेट
सुविधा भी हो, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाईफाई इंस्टॉल किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल में पहले से ही वाईफाई इंटरनेट की सुविधा थी। और ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा रूम है ये वैक्सीनेशन रूम है, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाए। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी वैक्सीन को रखा गया है। 16 जनवरी को ही यहां से सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके पहुंचाए जाएंगे। देश भर में पहले चरण में सबसे पहला डोज स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाना है, ताकि कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का शानदार आगाज हो सके। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसी दिन कोविन ऐप भी वो लॉन्च करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया है कि कोरोना से लड़ाई कितनी कारगर तरीके से लड़ी गई। अब मौका वैक्सीनेशन है। बीते दो दिनों में वैक्सीन की सप्लाई पूरे देश में की जा चुकी है। पुणे और हैदराबाद से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज तमाम शहरों में पहुंचाई जा चुकी है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ भी कर देंगे। दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की, उनमें वैक्सीनेशन के रोल आउट प्लान पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने के प्लान पर अमल किया जाएगा। जो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें, और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़े ना हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन दो वैक्सीन के साथ इस अभियान का आगाज हो रहा है उनमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड शामिल हैं। देश के लिए ये गौरव का पल है कि दो दो वैक्सीन के रूप में मेड इन इंडिया की कामयाबी का परचम दुनिया में लहराएगा। सरकार ने स्वदेशी कोवैक्सीन की 55 लाख डोज का ऑर्डर दिया है और कोविशील्ड की 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इन दोनों वैक्सीन से ही 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। अब सिर्फ शुक्रवार का दिन बाकी है, शनिवार से टीका लगना शुरू होगा। उसी दिन पीएम कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे, जो टीकाकरण अभियान के लिए बनाया गया है। इसी ऐप के जरिए टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी पर वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी मिलेगी। ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन से तनाव के बीच वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होने से देश को राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए कोरोना वायरस से देश में पीड़ितों की संख्या 109 हो गई है। 16 जनवरी को मेगा आयोजन होगा। दुनिया भी हिंदुस्तान पर उम्मीद भरी नजरें टिकाए हुए है। ब्राजील ने तो अपने 2 विशेष विमान भी रवाना कर दिए हैं, ताकि 20 लाख कोविशील्ड की डोज सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी जा सके। दिल्ली से गीता मोहन और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं। 16 जनवरी को जो एक बड़ा टीकाकरण अभियान चलने वाला है उसे लेकर तैयारियां सरकारों की क्या हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं और पटना से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पहले आपका रुख करते हुए, क्या तैयारियां हैं सरकार की? ये देखिए, तैयारी जो है सरकार ने पूरी कर ली है, और पहले चरण में 5.5 लाख जो कोविशील्ड के डोज हैं वो पटना पहुंच चुके हैं, और पटना ही नहीं पहुंच चुके हैं बल्कि तमाम जिलों में जो है उसका जो है उसे पहुंचाया जा चुका है, ताकि 16 जनवरी से जब ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं यानी कि स्वास्थ्य कर्मी, उन्हें सबसे पहले टीका दिया जा सके। और बिहार में 300 केंद्रों पर जो है टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा 16 जनवरी से, और हर केंद्र पर 100 लोगों को जो है यानी 100 स्वास्थ्य कर्मियों को रोजाना टीका दिया जाएगा। उस हिसाब से बिहार का टारगेट है, बिहार सरकार ने कहा है कि 30,000 लोगों को रोजाना ये वैक्सीन लगाया जाएगा, और इस हिसाब से भी अगर चले तो 15 से 17 दिन में जो बिहार में तकरीबन 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी को जो है ये टीका मिल पाएगा। तो अपने तरीके से सरकार ने दावा किया है, सारी तैयारियां पूरी हो गई है, ड्राई रन भी हो चुका है 2-2 बार। तो अब सबको इंतजार है 16 जनवरी का, जब ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम जो शुरू होगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे रोहित। हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त शिवेन श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। शिवेन, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश,
आबादी ज्यादा है और ऐसे में अभी कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, सरकार की क्या प्लानिंग है, डेली कितने लोगों को डोजेस दिए जाएंगे, कैसे मेडिसिन को स्टोर किया जा रहा है, ये ऐसे सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में है। देखिए उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको इसमें पूरे कवर किया जाना है, इसलिए बहुत ही वृहद योजना बनाई यूपी सरकार ने और तीन फेज का ड्राई रन किया गया। कैसे टीकाकरण किया जाएगा उसकी पूरी प्रैक्टिस की गई, जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे उनको बाकायदा ट्रेनिंग दे करके उन जगहों पर तीन बार ड्राई रन किया गया, उससे साफ हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में वो लोग पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और इसके लिए जितने भी सेंटर बनाए जाने थे उनको पूरी तरह से मेडिसिन से, डॉक्टर्स से, हेल्थ वर्कर्स से, सपोर्ट स्टाफ से और इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप किया गया। अब 16 जनवरी को जब अभियान शुरू होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद यहां पर 51,000 पहली फेज में जो 51,000 हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन बकायदा किया जा चुका है, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और हर दिन हर केंद्र पर 100 लोगों को एक साथ टीका लगाया जाए, 100 लोगों को बुलाया जाएगा और उनको बारी से बारी लगाया जाएगा और उनके सपोर्ट के लिए किसी तरीके का अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, मेडिकल दिक्कत होती है तो बेड्स सुरक्षित रखे गए हैं, पैरामेडिक स्टाफ है और डॉक्टर्स की टीम है, एक्सपर्ट्स की, और जो एंटीडोट होती है, जो एंटी एलर्जिक होती है और जो किसी भी वैक्सीन को के दुष्प्रभाव को रोकने में कामयाब होती है, ऐसी दवाइयों का भी अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में स्टॉक किया गया है। पहले यह था कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 850 सेंटर्स बनाए जाएंगे लेकिन अब 325 सेंटर्स जो यूपी में है बनाए गए जाएंगे और उसके अलावा लखनऊ में 11 जगहों पर यह होगा जिसमें बलरामपुर हॉस्पिटल, पीजीआई, केजीएमयू और सहारा हॉस्पिटल के नाम भी शामिल हैं और उनको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। तो अब शुरुआत इस बात की है बस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर से शुरुआत करें और उसके बाद यहां पर टीकाकरण अभियान शुरू हो। लेकिन एक और अहम बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 लाख टीके लगने हैं हेल्थ वर्कर्स को जिसमें से 9 लाख लोगों को लगने हैं और उनका चरणबद्ध तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाया गया है। इस 16 तारीख को लगने के बाद अगले शुक्रवार को और फिर सोमवार को फिर से ये यहां पर अभियान चलाया जाएगा और इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से मीनाक्षी यहां पर टीके जो है वो आए भी हैं। पहले दिन करीब 1 लाख टीके आए, उसके बाद दोबारा आए, तो 16 तारीख तक इतने जितनी जरूरत है उतने टीके यहां पर स्टोर किए जाएंगे। और ये भी बता दें आपको कि इनको सुरक्षित तरीके से रखने के लिए न सिर्फ पुलिस की व्यवस्था की गई है बल्कि दिल्ली से पौलमी भी जुड़ गई हमारे साथ। पौलमी, आज तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अब तक क्या इंतजाम किए हैं, 81 जगह पे सेंटर्स बनाए गए हैं और डेली 8,100 लोगों को टीके लगेंगे। लेकिन दिल्ली की पूरी आबादी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोविड फैला था, खासतौर पर जब दूसरी लहर आई उसने जबरदस्त चिंताएं पैदा कर दी थी इंतजामों को लेकर, लेकिन अब टीकाकरण ठीक तरह से चले उसके लिए क्या सरकार का बड़ा प्लान है? तो जिस बात का जिक्र हम यहां पर कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में देखा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से ये एक सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा और दुनिया के कई और ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान कैसे इस पूरे अभियान को चलाता है इस पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।